नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोटी दमन विद्युत विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर उतरे थे हड़ताल पर। वरसाड़ोवाड़ा ग्राम पंचायत के होद्देदारों फिरौती मांगने होने के आक्षेप को लेकर लोगों ने जिला समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। कपराड़ा बाबर खड़क में सिल्वर फूड कंपनी को किया गया सील, साथ ही पुलिस ने जोगवे से गैर कानूनी अनाज के जत्थे को किया कब्जे में। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन विद्युत विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी गण सैलरी बढ़ाने के मुद्दे पर हड़ताल पर उतरकर काम से अलग रहे थे। संघ प्रदेश दमन के मोटी दमन विद्युत विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी गण सैलरी बढ़ाने के मुद्दे पर हड़ताल पर उतरकर काम से अलग रहे थे। पिछले 15 सालों से ज्यादा वक्त से काम करते कर्मचारियों की सैलरी इतने सालों के बाद भी नहीं बढ़ने पर कामदारों द्वारा हड़ताल पर उतरकर विरोध जताया गया था। साथ ही कर्मचारियों के बताए अनुसार सैलरी भी कम दी जा रही होने के आक्षेप भी किए थे। बड़ी संख्या में कर्मचारीगण सालों से यहां पर काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं 12 से 14 घंटा बीज विभाग के जोखिम भरे काम करने के बावजूद भी पेमेंट सिर्फ 9000 जितना ही दे रहे हैं। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को सैलरी बढ़ाने के बारे में रुझान की होने के बावजूद भी कोई भी हल नहीं आया हो कर्मचारियों द्वारा बताया गया, तो अब हड़ताल को लेकर विद्युत विभाग के संचालक भी ऑफिस के बाहर आए थे और कामदारों को समझाने का प्रयास किया गया था। जो कि कर्मचारी हड़ताल पर उतरे होने की जानकारी विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को होते वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और कर्मचारियों के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद कर्मचारीगण हड़ताल पर उतरे हो थोड़े शांत हुए थे। गौरतलब है कि दादरा नगर हवेली दमन दीव बीज विभाग के निजीकरण के बाद बीज विभाग टोरेंट पावर हस्तगत किया गया है, तो टोरेंट पावर के संचालकों द्वारा बरसों से दमन विद्युत विभाग में फरज बजाते कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ाएंगे या नहीं, ये तो अब देखना रहेगा। लेकिन हमको प्राइवेट कंपनी में भेजा गया, बरोबर है। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट में आपके थ्रू से चलते थे, बरोबर। अभी हम उनके थ्रू से चल रहे हैं। हमको तो पूछा भी नहीं गया किसी को, तुम प्राइवेट में जा रहे हो कि गवर्नमेंट में रहोगे। अभी मैं यही बताऊं कि आपकी वही चीजें है कि और तीसरी है कुछ वही चीजें। अरे सेलर का प्रॉब्लम है, हम लोग ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गवर्नमेंट में हो। आज तक आपकी बात मानी हमने, आपने बोला हाथ जोड़ो, हम लोग ने माने, आप बोले चले जाओ, हमने चले जाओ। बात कर लो, कोई सोल्यूशन निकलता है, दो दिन निकलेगा तो हम लोग दो दिन तक वेट करेंगे। इतने वाले तो हम लोग हैं ना, आप लोग पर मेकअप नहीं करेगा, आप लोग इधर कोई हल्ला नहीं करेगा, हमारी जवाबदारी हमारी है, कोई भी कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमको हमारा रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, आपकी बैठना है बैठ लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इस एटीट्यूड से ये करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, शांति से रहेंगे सॉल्व होगा। हम शांति से सर बात करेंगे, मैं यही बोलूँ की आप अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना, ज्यादा इससे अच्छी बात आपके हित में भी नहीं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक दिन रुक जाइए, उनसे बात कर दीजिए मुझे, कल हो जाएंगे भाई, मुझे बात तो करने के लिए आप एकदम आजम से कैसे कर रहे हैं, आप कल भी आके बैठ जाइए, कल आके बैठ जाइए। वॉकचेस में ले ली, કઈ પડેલી નહી મળે, એ લોકો નું કાલે કામ થવા જોઈએ, આજ સુધી આપડી કોઈ સેલેરી હરકી વૈધી નહી મળે, બધા એને બધા પોતપોતાના ઘરે હેરાન છે। મુદ્દો એ છે કે આ જો પીડીસીએલ વાળા જે એમ કેતા છે કે અમે અડધું
અર્ધું ગવર્મેન્ટ છે અને અર્ધું પ્રાઇવેટ છે, બરોબર? તો અમારી માંગ એ છે કે અમને પગાર કોણ આપવાનો? જયારે અમને સાહેબ લોકો એમ કહેતા હતા કે જયારે તમને પ્રાઇવેટ કંપનીમાં નાખવામાં આવશે ત્યારે તમારો પગાર વધી જશે. ગવર્મેન્ટમાં જેટલા સાહેબ છે તે લોકોએ બધા કીધેલું, જૂની બધા જીના જીના છે એ લોકોએ બધા કીધેલું. પગાર તમારો કંપની વાળા એમ કહેવા માંગે કે તમને જે ગવર્મેન્ટ પગાર આપતો હતી એ જ અમે ઇસ્યુ કરતા છે. પગાર વધારવાની જો ગવર્મેન્ટ એમ કેતી હોય કે એ લોકો મારા ગવર્મેન્ટમાં આજે લેબર જે નાકા પર મજૂર રહે તીને બી 500 રૂપિયા રોજ છે, તો તે 500 રૂપિયા રોજ પ્રમાણે તમે વિચાર કરો તો તેનો 15,000 પગાર થાય, બરોબર? તો અમને આ 15 વર્ષ થી અમે રહ્યા કરીએ તો અમને આટલો જ પગાર કેમ આપવામાં આવે? અમે જેટલી વાર આવ્યા ને તેટલી વાર કલશે ફિક્સમાં લે હું તમને, તમારી ફાઇલ ચાલુ છે, તમારું કામ ચાલુ છે, તમારી ફાઇલ મૂકવામાં આવેલી છે, આ રીતે અમને કહેવામાં આવ્યું. એટલે અમે બેહી રહ્યા કે હા અત્યારેથી થાય, પછી થાય, પછી થાય એમ કરીને અમે ચાલ આટલો સમય નીકળી ગયો છે, આટલા 15 વર્ષ અમે નોકરી પર કાલ લખ્યા તો અમને થાય કે આ બીજા વર્ષે કાલ લખ્યા, બીજા વર્ષે કરશે, એ રીતે અમે બેહી રહ્યા. આજે આ તો અમને ખબર પડી કે આ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં આપી દીધું તો પછી અમારા પાસે હવે રહ્યું કાંઈ, અમારે કોને મળવાનું, કેવી રીતે આનું સોલ્યુશન લાવવાનું? તેના માટે અમે અહીંયા બધા બેસેલા છે, અમે અહીંયા બેસવાના, ચાલે નોકરી પર કોઈ નહીં જાય, સ્ટ્રાઈક. હા, જે ભી લીગલી પગલા લેવામાં આવશે ને તે થશે, કોઈને કરવા ભી નહીં દેશે. વલસાડ કે ઉવાડા ગ્રામ પંચાયત કે હોદ્દેદારો દ્વારા ફિરોતી માંગણી કે આક્ષેપ કે સાથ વલસાડ જિલ્લા સમાહર્તા કો લોકોને સોંપા આવેદન પત્ર. સુજલામ સુફલમ યોજના કે અંતર્ગત વલસાડ કે ઓવાડા ગાંવ કે દો તાલાબો મેં સે મિટ્ટી ખુદાઈ કરને કે લીએ જે ભી અર્થ મૂવર્સ નામક એજન્સી કો વર્ક ઓર્ડર દિયા ગયા થા, બાદ મેં ગ્રામ પંચાયત કે હોદ્દેદારો દ્વારા એજન્સી કે સંચાલકો કે પાસ સે રિશ્વત માંગતે હોને કે આક્ષેપ કે સાથ ઓવાડા ગ્રામ પંચાયત કે સભ્યો ઓર ગ્રામ કે લોગો કે સાથ જિલ્લા કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર દેકર ન્યાય કી માંગ કી હૈ. વલસાડ તહેસીલ કે ઓવાડા ગાંવ મેં રહેતે ઓર ગ્રામ પંચાયત કે વોર્ડ નંબર 7 કે સભ્ય ભાવેશ પરાગભાઈ પટેલ ઓર મૂલી ગાંવ કે પરિમલ પ્રકાશ પટેલ કે સાથ ગાંવ કે લોગોને વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી પર મોરચા રખકર જે બી અર્થ મૂવર્સ કી એજન્સી કો ગ્રામ પંચાયત સર્વે નંબર 285529 ઓર ખાતા નંબર 474 વાલે તેલાબ મેં સે મિટ્ટી ખુદાઈ કરને કે લીએ ઠરાવ કિયા ગયા થા. વલસાડ દમણગંગા નહેર સંશોધન વિભાગ મેં સે ગાંવ કે દોનો તાલાબો કો વર્ક ઓર્ડર દિયા ગયા થા. ઉવાડા ગ્રામ પંચાયત કે સભ્ય ભાવેશભાઈને બતાયા કે સરકાર કી સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત તાલાબ મેં સે મિટ્ટી ખુદાઈ કર ગાંવ કે વિકાસ ઓર ગાંવ કે કિસાનો કે ખેતો મેં સાથી ગાંવ મેં બનાએ ગયે મંદિર કે લીએ ઇસ્તમાલ મેં કી જાતી થી. ઉસકે બાવજૂદ ગ્રામ પંચાયત કે હોદ્દેદારોને એજન્સી સંચાલકો કો કિસી ભી પ્રકાર સે પરેશાન કર મિટ્ટી ખુદાઈ કા કામ રોક દિયા ગયા. સાથી સુજલામ સુફલામ યોજના કે અંતર્ગત પંચાયત મેં કિસી ભી પ્રકાર કી રકમ ભી નહીં દી ગઈ. ઉસકે બાવજૂદ ઉવાડા ગ્રામ પંચાયત કે હોદ્દેદારોને જબરજસ્તી રિશ્વત કી માંગ કરતે હોને કે આક્ષેપ કિયે ગયે થે, જિસકે લીએ ન્યાય કી માંગ કે સાથ બડી સંખ્યા મેં ગાંવ કે લોગોને એકત્રિત હોકર જિલ્લા અધિક કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર દિયા થા. અમારે સરપંચ શ્રી આવેદન પત્ર આપ્યું હતું, એ આવેદન પત્ર એ અમને સુજલામ સુફલામમાં માટી ખદન કરવા માટે વર્ક ઓર્ડર મળ્યો હતો, એના હેઠળ અમે કામ કરી રહ્યા હતા. એમાં એ લોકો અલચર રૂપે એમણે એક આવેદન પત્ર આપ્યું અને જોબ માટે આવેદન પત્ર અમે આપવા માટે આવ્યા છીએ. એ લોકો શું આક્ષેપો કરી રહ્યા છે આપ? આક્ષેપો એ લોકો ખોટી રીતના, મતલબમાં હું અમારું માટી બહાર જતી નથી ને બહાર લઈ જવાનું એવી રીતના આક્ષેપો કરે છે. પણ માટી ત્યાં અમે ગામના કામોમાં જ વાપરતો છું, ખેડૂતોને આપતો છું, મંદિરો માટે વાપરતો છું ને ગ્રાઉન્ડ ત્યાં આગળ માટીનું અમારે ગ્રાઉન્ડ એક મતલબમાં ત્યાં આગળ વાપરતા છે. તો તેમાં આ લોકો અડચણ રૂપે ખોટી રીતના દલીલો કરે છે. એ લોકો
સુજલામ સુફલામના જીઆર હેઠળ અમારે કોઈ એમાં ભરણું કંઈ વળતર એવું આવતું નથી એમ. તે છતાં એ લોકો માંગણી કરે છે કે 2.5 લાખની કંઈ માંગણી કરી છે મારી પાસે. કોના પાસે માંગણી કરી? એ સરપંચ ને ડેપ્યુટી એ લોકો પંચાયત હેઠળ માંગે છે એમ, વેરા હિસાબે. હવે સુજલામ સુફલામ હેઠળમાં કંઈક એવું કંઈક છે નથી કે મારે ત્યાં આગળ એમને પૈસા આપવું પડે. 150-200 માણસ જેવા તમામ ઓવાળા ગામના આવ્યા છે. આગામી દિવસના હડતાલ કરીશું, ગાંધીગીરી અપનાવીને આગળ ચાલશું. કપરાડા તહેસીલ કે બાબરખડક મેં ચલ રહી સિલ્વર ફ્રૂટ કંપની કો ક્યા ગયા સીલ. સાથ હી પુલિસ ને જોગવેલ મેં ચલ રહે ફ્લોર એન્ડ રાઈસ મિલ મેં સે અનાજ કે જથ્થે કો ક્યા કબ્જે મેં. वापी ASP की मिली जानकारी के अनुसार कपराड़ा बाबर खड़क में चल रहे सिल्वर फूड कंपनी को किया गया सील, जबकि जोगवेल में चल रहे फ्लोर एंड राइस मिल में से जत्थे को किया गया कब्जे में. गैर कानूनी अनाज को लाकर उन्हें पीसकर 5 किलो 10 किलो के पैकेट बनाकर बाजार में बिक्री करते होने की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने जगह पर पहुंचकर जांच करते बाबर खड़क में आए हुए सिल्वर एग्रो फ्रूट प्रोडक्ट कंपनी में पुलिस ने छापेमारी कर 500 किलो गेहूं की बोरियां 2674 जिसके दाम 32,11,200 रुपये, 10 किलो आटा पैकेट 510 दाम 1,93,800 रुपये, 25 किलो आटे के पैकेट 1,128 जिसके दाम 2,25,600 रुपये, 25 किलो के अन्य 104 मिलाकर 88,400 रुपये और पैकिंग के मशीन मिलाकर कुल 52,48,700 रुपये के मुद्दा माल को कब्जे में लेकर कंपनी को सील किया गया है. पुलिस ने CRPC की 102 की धारा के अनुसार गुना दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया है, जबकि 1 को जामीन पर छोड़ा गया है. जोगवेल खजूरफलिया में आए हुए जोगवेल फ्लोर एंड राइस मिल में गैर कानूनी अनाज के जत्थे को एकत्रित कर मशीन पर आटा पिसवाने की कामगिरी चल रही हो. पुलिस की छापेमारी के चलते गेहूं का जत्था 5 और 10 किलो के गेहूं के आटे के पैकेट सहित 4,56,625 के मुद्दा माल को कब्जे में किया गया. CRPC की धारा 102 के तहत गुना दर्ज कर जांच शुरू की गई है. गौरतलब है कि पहले भी मामलतदार द्वारा जोगवेल में छापेमारी कर सरकारी अनाज के जत्थे को पकड़ा गया था. फिलहाल इस केस चल रहा हो उसके बावजूद भी ये मिल किसके इशारे पर चल रही है, जो फिर से यहां पे पुलिस ने छापेमारी कर गैरकानूनी चल रही प्रवृत्ति को बहाल लाए हैं. वलसाड जिले के उमरगाम समंदा तट पर फिलहाल पर्यटकों की उमड़ रही है भीड़, पर विकास के नाम पर लाखों रुपए की सरकार की लागत का धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. वलसाड जिले के उमरगाम के समंदा तट पर फिलहाल पर्यटकों की संख्या काफी संख्या में देखने को मिल रही है. कई साल पहले पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर खेलकूद के साधनों के साथ दुकानें बनाकर लाखों रुपयों का धुआं किया गया था. आज वर्षों बीत जाने के बाद भी ये दुकानें खंडेर अवस्था में बन चुकी है. पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए टूरिज्म पॉइंट का आज वर्षों के बाद भी उद्घाटन नहीं हो सका है. हाई मास्क लाइटें और अन्य लाइटें सड़ चुकी है, पर सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है. तो उमरगांव पालिका क्षेत्र के समंदर किनारे पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है. साथ ही आज हम देखते हैं कि देश के कई राज्यों से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, पर उमरगांव का विकास जगह पर ही ठहरा हुआ है और सरकार के पास लाखों रुपए के करवाए गए फिजूल खर्चों के पीछे विकास और भ्रष्टाचार की बू को बाहर कौन लाएगा, ये सोचने की बात है. फिलहाल तो उमरगांव तहसील के लोगों द्वारा विकास के कामों की ओर नजर गड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखना रहेगा कि प्रशासन द्वारा इस बारे में कितने जल्द कदम उठाए जाते हैं. दरिया किनारा एक समय तो यहाँ कुछ नहीं था, उमरगांव तभी गांव था, अभी धीरे धीरे शहर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं. जब यहाँ बस्ती बढ़ेगी तो टूरिज्म की भी लोग दरिया किनारे आना चाहते हैं कि भाई जिस दिन छुट्टी है हम चलो दरिया किनारे जाएंगे, 2 घंटा 4 घंटा बिताएंगे. तो यहाँ की जो नगर पालिका कुछ चालू तो किया व्यवस्था, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा करके जो भी खर्चा किया वो आज की डेट में एकदम बिल्कुल पानी में गया है. मैं उमरगांव नगर पालिका से चाहता हूँ कि जो खर्चा हुआ है इसका ओपनिंग करिए और साफ़ सफाई अच्छी व्यवस्था करिए, ताकि लोग यहाँ आवें, उनको लगेगा उमरगांव अच्छा
डेवलप हो रहा है, जो अच्छा संदेश जाए उमरगांव का। उमरगाम नगर पालिका नी अंदर आ दरिया किनारे रमणीय दरिया किनारो छे अमारा उमरगाम नो, त्यां टूरिज्म डिपार्टमेंटे अहींया घणो खर्चो करीने बधी पब्लिक माटे टूरिज्म माटे व्यवस्था करी छे, एनी फूट फूट चालू थई गयुं छे, पण आज दिन सुधी एनुं कोई उद्घाटननुं कोई समझ नथी पड़तुं साना माटे अटकी पड्युं छे। એ જો વહેલી તકે એનું ઉદ્ઘાટન થાય, એની વ્યવસ્થા થાય તો, અને દરિયા કિનારે જો ધ્યાન આપશે તો અહીંયા પરપ્રાંતી લોકો બહારથી ફરવા માટે આવે છે, લોકોને ગામના લોકોને બી એનાથી ઘણો ફાયદો થાય છે, દુકાનોને બી ફાયદો થાય છે, રોજીરોટી મળે છે, તો સાહેબ એના પર જો સરકાર ધ્યાન આપશે તો અમારા ઉમરગામનું જરા ઉન્નતિ થાય એવું છે। दादरा नगर हवेली के टोकरखाड़ा में आए सोराठिया मिल मसाला नामक दुकान में लगी थी भीषण आग, दुकानदार को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के टोकरखाड़ा में आए हुए सोराठिया मिल मसाला नामक दुकान में बुधवार रात 10:30 बजे के आसपास भीषण आग लग गई थी। दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी, जबकि दुकान मालिक दुकान के पहले मंजिले पर थी। दुकान में आग लगते ही दुकान मालिक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना के बारे में जानकारी देते आग को काबू में करने के लिए तुरंत ही कार्यवाही शुरू की गई थी। आग के बारे में जानकारी मिलते ही सिलवासा, वापी और दमन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ पड़ी थी। उस दौरान आग बुझाने के लिए दमन से सिलवासा की ओर आ रही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी लवाचा में पलटी हो गई थी। इस दुर्घटना में 3 फायर फाइटर घायल होते अस्पताल पहुंचाना पड़ा था। दूसरी ओर फायर ब्रिगेड के अन्य गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के लिए कार्यवाही की थी। मामलेदार TS शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और कामगिरी में जुड़े थे। पीड़ित दुकानदार के कहे अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसमें कच्चा माल और मशीन जलकर खाक हो गए थे और लाखों रुपयों का नुकसान होने का बता रहे थे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोटी दमन विद्युत विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर उतरे थे हड़ताल पर। वरसाड़ोवाड़ा ग्राम पंचायत के होद्देदारों फिरौती मांगने होने के आक्षेप को लेकर लोगों ने जिला समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। कपराड़ा बाबर खड़क में सिल्वर फूड कंपनी को किया गया सील, साथ ही पुलिस ने जोगुए से गैर कानूनी अनाज के जत्थे को किया कब्जे में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।